नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अनुराग मालू माउंट अन्नपूर्णा पर्वतारोहण के दौरान लापता हो गए थे। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान संकट में फंसे मालू को एयरलिफ्ट कर एम्स दिल्ली लाया गया है। अनुराग ने अडानी का आभार प्रकट किया है। अनुराग मालू राजस्थान के पर्वतारोही है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा पर अभियान के दौरान लापता हुए अनुराग बाद में बहुत गंभीर हालत में जीवित पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जायज मामलों में जमानत नहीं देना बौद्धिक बेईमानी है। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के उस न्यायिक अधिकारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिन्हें जमानत से मना करने पर राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। सरकार के शीर्ष व उद्योग सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय संघ के एक प्रस्ताव के खिलाफ भारत विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है। भारतीय कार्यवाही यूरोपीय संघ द्वारा स्टील, लौह अयस्क और सीमेंट जैसी उच्च कार्बन वस्तुओं के भारत से आयात पर 20-35% तक शुल्क लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनने के लिए भारत एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इस दिशा में भारत सबसे पहले सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। यह वर्कफोर्स दुनिया भर की जरूरतों को पूरा करेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी पढ़ाई शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर निर्माण के वर्कफोर्स को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के पर्यू विश्वविद्यालय के साथ ही हाल में समझौता किया गया है। भारत सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने की तरफ कदम उठा रही है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि वह धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक्टिव रूप से व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री ने कहा है कि मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपनी मैसेजिंग सर्विस से उन मोबाइल नंबरों को डीरजिस्टर करने पर सहमति जताई है जिन्हें धोखाधड़ी करने के लिए पाया गया है। ऐसे नंबर्स की मोबाइल सर्विस पहले से ही काट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातियों के सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने इस दौरान उनकी गुजरात यात्रा के अनुभवों और अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की है। विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के बारे में यात्रा के अनुभवों को पूछा और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा भी की। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूरोपीय देशों के समूह और भारत के बीच एक सहमति बनी है कि सभी मुद्दों पर आम राय तलाशते हुए दोनों पार्टी के बीच एफटीए को लेकर बातचीत की प्रक्रिया को तेज किया जाए। मंगलवार को इसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने दी है। रोजाना बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल वाहनों की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन भी आम आदमी के लिए बजट में आ जाएंगे। यानी कि केंद्र की सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कोई भी स्कीम लाने का मन बना रही है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। ये पहले ही वाई स्तर के सुरक्षा घेरे में रहते थे, अब इसे बढ़ाकर बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके गांगुली को जेड स्तर की सुरक्षा दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ गांगुली की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है, पर बंगाल सरकार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अडानी ग्रुप फाउंडेशन के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी सक्षम की ओर से बताया गया है कि उसका अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर दुनिया का पहला स्किल सेंटर बन गया है, जिसने मेटावर्स में अपना सेंटर खोला है। इसमें फिलहाल 2 कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि अडानी सक्षम को 7 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि तुंगनाथ मंदिर, जो गढ़वाला हिमालय के रुद्रप्रयाग जिले में 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 5 से 6 डिग्री तक झुका हुआ है। इसके अलावा परिसर में छोटी संरचनाएं 10 डिग्री तक झुकी हुई है। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने निष्कर्षों के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराया और सुझाव दिया है कि मंदिर को संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। यदि केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो एडवोकेट विश्वनाथन बार से सीजीआई बनने वाले 4th जज हो सकते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी किया था और आरोप लगाए थे। वहीं अब भारत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह गलत सूचना और समझ पर आधारित है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट जारी होने से अवगत हैं। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की खबरें गलत सूचना पर आधारित रहती हैं। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि फैसले में प्रत्यक्ष रूप से कोई खामी नजर नहीं आती है। अगर आपका अकाउंट SBI में और आपके अकाउंट के टेम्पररी रूप से लॉक होने के संदेश मिल रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई SBI ग्राहकों को एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण ग्राहकों के खातों को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन यह फर्जी मैसेज स्कैमर्स की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसका जवाब ना दे और इसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दे ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। राष्ट्रपति भवन अब आम जनता के लिए हफ्ते में 6 दिन खुला रहेगा। यह व्यवस्था 1 जून से लागू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर यह बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर 1 जून से लोग मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन जा सकेंगे। इसके अलावा लोग अब 1 घंटा और राजभवन में घूम सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तराखंड रियायत नियमावली 2001 में किए गए संशोधन की अधिसूचना के शासनादेश को खारिज कर दिया गया था। इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के फैसले से असहज प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। पटना में जहां एक ओर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों से द्वारा उनके पोस्टरों को फाड़कर उनका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात बदमाशों ने अब पटना के डाक बंगला पर लगाई गई पोस्टर पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर उनके चेहरे पर कालिक पोत कर चोर 420 लिख दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में चल रही ईडी की कार्रवाई पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि डर का माहौल पैदा ना करे। कोर्ट के इस टिप्पणी पर कांग्रेस अपनी जीत मान रही और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। कैलेंडर वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की रफ्तार से बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग में लचीलापन बरकरार रहने से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। हालांकि यूएन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च ब्याज दरों और बाहरी मांग में कमजोरी से निवेश और निर्यात पर दबाव बना रहेगा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की मांग की है जिन्हें रूसी तेल के जरिए तैयार किया जा रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोसेफ को सलाह दी कि उन्हें ईयू काउंसिल रेगुलेशन को देखना चाहिए। जयशंकर ने कहा है कि ईयू काउंसिल रेगुलेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जब रूसी तेल किसी तीसरे देश में बदला गया है और अब इसे रूसी नहीं माना जा सकता है। हिंडनबर्ग डिस्चार्ज के अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का समय और दे दिया है। 14 अगस्त तक सेबी को जांच पूरी कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि और जरूरत हुआ तो और भी समय दिया जा सकता है। केरल में हुए सामूहिक धर्मांतरण के मुद्दे पर सिनेमा के पर्दे पर आई द केरल स्टोरी विवादों के घेरे में रही है। रिलीज के बाद जहां देश के बहुत से प्रदेशों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, वहीं कुछ ने इस पर बैन लगा दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर दखल देते हुए बैन पर सरकारों से जवाब मांगा। इनमें ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल थी। अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि फिल्म द केरल स्टोरी मन ग्रंथ तथ्यों पर आधारित है और उसमें अभद्र भाषा है जो सांप्रदायिक भावनाओं को और आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है जिसमें राज्य में व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित अमर सागर इलाके में रह रहे हिंदुओं परिवारों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। ये हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे और लंबे वक्त से इस इलाके में रह रहे थे। जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद UIT सहायक अभियंता अगुवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमर सागर इलाके में रह रहे लोगों के घरों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रौंदा गया है जिससे महिलाएं और बच्चे भीषण गर्मी में सड़क पर धूप में आने में मजबूर हो गए हैं। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश के बीच भारत मौसम विभाग यानी IMD ने मॉनसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। विभाग का कहना है कि 2023 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून में थोड़ी देरी हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज पटेल मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच CM की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल बीमार बेटे को देखने के लिए CM ने सरकार द्वारा वित्त पोषित चार्टर्ड विमान को छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने न केवल अपने बेटे से मिलने के लिए घरेलू उड़ान का इस्तेमाल किया बल्कि सरकार द्वारा वित्त पोषित एयर एम्बुलेंस के लिए भी भुगतान किया जिसके जरिए उनके बेटे को अहमदाबाद से मुंबई लाया गया था। भारत सरकार ने MSME और स्टार्टअप सेक्टर की मदद करने के लिए कुछ नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जिन नियमों में बदलाव किए गए हैं वे विलय एवं अधिग्रहण से संबंधित है। इसके बाद अब MSME और स्टार्टअप को ऐसे सौदों के लिए मंजूरी मिलने में कम समय लगेगा। बदले हुए नियम 15 जून से लागू होने वाले हैं।
गुजरात की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी तो भरूच जिले के कलेक्टर तुषार सुमेरा और अन्य करीब 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन उसे दान कर दिया। दरअसल आलिया बानू को कॉलेज की फीस भरनी थी, इसके लिए उसने पीएम मोदी से मदद मांगी, जिसके बाद भरूच जिले के कलेक्टर तुषार सुमेरा और अन्य कर्मचारियों ने उसे अपनी एक दिन की सैलरी डोनेट कर दी। इससे एमबीबीएस स्टूडेंट आलिया बानू पटेल की दूसरे सेमेस्टर की 4 लाख रुपए की फीस भरी जा सकेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करना प्राथमिकता है। प्रदेश में 315 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पीड़ितों को रखा जा रहा है। इस शिविरों की व्यवस्था पुलिस और सीएपीएफ देख रही है। केंद्र ने उक्त बातें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से राज्य में मैत्री और कुकी समुदायों के बीच हिंसा पर एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में तय की है। बिहार में जातिगत गणना पर पटना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में रोक लगा दिया है, जिसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले में सीजीआई नई बेंच तय करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, महेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, एमडी साकिर हुसैन और दीपक कुमार। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।